म्यूचुअल फंड क्या होता है इसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक जानेंगे, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता उनको भी इसकी नॉलेज मिले और जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब देखो, ये वीडियो कई सारे पार्ट्स में होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक से लेकर एडवांस चीजें भी आपको बताऊंगा। इसके बाद हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे भी जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें भी बताऊंगा जिसे जाने बिना अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और वीडियो के बीच में ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कमाल की ट्रिक बताऊंगा जिसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अब देखो, म्यूचुअल फंड, इसके नाम में देखो लिखा है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का मिलाया हुआ, फंड मतलब पैसा। तो म्यूचुअल फंड क्या हुआ? बहुत सारे लोगों का पैसा। तो ये तो इसकी हिंदी हो गई, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? देखो, म्यूचुअल फंड क्या है? एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे लोग अपने पैसे एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ये फंड क्या होता है। देखो, यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फंड में क्या होता है, हमारे जो पैसे होते हैं ना वो स्टॉक्स में यानी कि कंपनी के शेयर्स में लगे होते हैं, बॉन्ड्स में लगे होते हैं, दूसरी सिक्योरिटीज में लगे होते हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी जगह पर हमारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर उन पैसों को लगाने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट इन्वेस्टर के बीच में बढ़ता है। तो अगर आपसे कोई म्यूचुअल फंड के बारे में पूछे या आप किसी को अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बताओगे तो सिंपली बस इतना कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा मिलाते हैं और उस पैसे को एक फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। अब ये फंड मैनेजर कहाँ इन्वेस्ट करता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आई नो अभी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, तो यहाँ पर हम इसे क्लियर करने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक चॉकलेट का डब्बा है जिसके अंदर टोटल 20 चॉकलेट है और इस चॉकलेट के डब्बे का प्राइस 1000 रुपए है। अब देखो, इस चॉकलेट के साथ एक कंडीशन ये भी है कि जिसको भी ये चॉकलेट खरीदनी है उसे ये पूरा पैकेट ही खरीदना पड़ेगा, एक दो चॉकलेट नहीं मिल सकती इसके अंदर। यानी कि अगर खरीदना है तो पूरा पैकेट खरीदो वरना एक दो चॉकलेट नहीं मिल सकती। मान लो ये है राजू और राजू को ये चॉकलेट बहुत ही पसंद है, लेकिन दिक्कत ये है कि राजू के पास सिर्फ 200 रुपए ही है जबकि चॉकलेट के डिब्बे का प्राइस 1000 रुपए है। अब वो पूरा डब्बा तो खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पास पूरे 1000 रुपए नहीं है और कंडीशन के मुताबिक उसको वो पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर राजू अपना दिमाग लगाता है और अपने दोस्त श्याम, बाबूराव, तोतला सेठ और कचरा सेठ को बुलाकर उनसे भी 200-200 रुपए मिलाने को कहता है। अब उन लोगों को भी ये चॉकलेट पसंद थी तो वो लोग भी अपने 200-200 रुपए मिला देते हैं और इस तरह से ये 5 लोग मिलकर अपने 200-200 रुपए मिलाकर 1000 रुपए कर लेते हैं और वो चॉकलेट का डब्बा खरीद लेते हैं। अब चॉकलेट के डब्बे में टोटल 20 चॉकलेट थी और ये टोटल जने हैं 5, तो ये लोग यहाँ पर आपस में 4-4 चॉकलेट बांट लेते हैं। अब देखो, बिल्कुल इसी तरह ना म्यूचुअल फंड भी काम करता है। आप बस यहाँ पर चॉकलेट के डब्बे की जगह इसे म्यूचुअल फंड मान सकते हो और हर चॉकलेट को एक यूनिट मान सकते हो, एक चॉकलेट एक यूनिट। यानी कि म्यूचुअल फंड में लोग अपना पैसा मिलाते हैं ताकि वो लोग म्यूचुअल फंड को खरीद सके और फिर वो जो म्यूचुअल फंड इन लोगों ने खरीदा है वो उनको उनके पैसे के हिसाब से उनके हिस्से में बटता है। जैसे वहां पर चॉकलेट बटी थी, यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड बटेगा। और जैसे वहां पर 4-4 चॉकलेट एक एक हिस्से में आई थी, यहाँ पर 4-4 म्यूचुअल फंड की यूनिट इन लोगों में आपस में बटेगी। अब देखो, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। रियल लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, कोई थोड़ा पैसे लगाता है, कोई ज्यादा पैसे लगाता है, बहुत सारे लोग अपना पैसा मिलाते हैं और वो लोग म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं और वो म्यूचुअल फंड उनके पैसे के हिसाब से उन लोगों के बीच में यूनिट्स के हिसाब से बढ़ता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ पर हम इसे और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, तो इन सभी लोगों का पैसा एक असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है। ये असेट मैनेजमेंट कंपनी अलग अलग तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है। अब इस स्कीम के बारे में हम बाद में जानेंगे, अभी बस ये समझो कि AMC का काम होता है अलग अलग तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करना। अब ये मैंने और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों ने ये देखा, ABC नाम की कंपनी है जिसने कोई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करी है और मुझे और बाकी लोगों को वो म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़िया लगी, तो हम लोग अपना पैसा इस म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाएंगे, तो हमारा पैसा इस म्यूचुअल फंड स्कीम में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये AMC म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ साथ एक फंड मैनेजर भी अपॉइंट करती है। इस फंड मैनेजर का काम ये होता है कि वो जनता के पैसे को जो म्यूचुअल फंड में लगे हैं उन पैसे को ऐसी ऐसी जगह पर लगाए कि वो पैसा ग्रो हो सके। यानी कि फंड मैनेजर क्या करेगा, जो जनता ने पैसे दिए हैं उन पैसों को कहीं इक्विटी में लगा देगा, यानी कि वो शेयर मार्केट में उन पैसों को लगा देगा, कुछ पैसों को वो कंपनियों को कर्जे पे दे देगा यानी कि कॉरपोरेट डेट, कुछ पैसों को वो डेरिवेटिव्स में लगा देगा, कुछ पैसों को वो ट्रेजरी बिल में लगा देगा। मतलब फंड मैनेजर का ये काम रहेगा कि उसे जहां पर ठीक लगे वो उन पैसों को इन्वेस्ट करे
और हम लोगों के लिए वो पैसे को ग्रो करने का काम करे ताकि हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। अब देखो भैया, यहाँ पर वो फंड मैनेजर इतनी मेहनत कर रहा है, बढ़िया जगह पर हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेगा, तो इसके बदले वो थोड़े से चार्जेस काटता है जिसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो 1-2% होता है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप इस एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान जरूर देना। ये एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से कम हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो अब देखो, आखिर जरूरत क्या है म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने की? देखो, शेयर मार्केट में अगर हम पैसे लगाते हैं तो हमें वो पैसे खुद इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो अगर हमें खुद इन्वेस्ट करना है तो हमें उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, हमें उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि नए लोगों के पास नहीं होता। अब देखो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में एक और दिक्कत है, वो ये है कि हमें उसमें टाइम देना पड़ता है। आपको टाइम देना पड़ेगा कि कब शेयर गिर रहा है, कब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। जब गिर रहा है तो आपको खरीद लो ताकि सस्ते में मिल जाए, जब बढ़ रहा है तो उसे बेच दो ताकि आपको प्रॉफिट हो जाए। तो मतलब उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारे पैसे। अब मान लो जैसे MRF टायर की कंपनी है जिसका शेयर प्राइस लगभग 1,00,000 रुपये से भी ऊपर है। अब वो कंपनी तो अच्छी है, लेकिन मेरे पास 1,00,000 रुपये है ही नहीं, तो मैं उसमें इन्वेस्ट कैसे करूंगा? कम से कम मेरे को उसका एक शेयर भी खरीदने के लिए 1,00,000 रुपये तो चाहिए, और 1,00,000 रुपये मैं लगा ही नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। या फिर मान लो मैं रिलायंस की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब रिलायंस का शेयर ही 2,500 रुपये का आता है और मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपये है, तब तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसे भी ज्यादा चाहिए होता है। जबकि देखो, म्यूचुअल फंड में फायदा ये होता है कि बहुत सारे लोग अपना पैसा मिलाते हैं। मान लो मुझ जैसे 1,000 लोग अगर अपने 100-100 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो टोटल असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास 1,00,000 रुपये आ जाएंगे। अब ये असेट मैनेजमेंट कंपनी इस 1,00,000 रुपये से आसानी से MRF का शेयर खरीद सकती है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो शेयर तो एक है लेकिन उसके मालिक 1,000 है, तो उन मालिकों में वो शेयर बटेगा कैसे? तो यहाँ पर वो कंपनी क्या करेगी, उस एक शेयर को 1,000 हिस्सों में बांट देगी। यानी कि उसने क्या किया, एक शेयर को 1,000 यूनिट्स में बांट दिया और उन सभी यूनिट्स को जिसने जितने पैसे दिए थे उनके हिसाब से बांट दिए। अब देखो, यहीं पर आ जाता है NAV का कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये समझ लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड का प्राइस आखिर बढ़ता कैसे है। वैसे NAV की फुल फॉर्म होती है नेट असेट वैल्यू, वैसे शॉर्ट फॉर्म में ये हर जगह NAV ही लिखा होता है। इस NAV को देखकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस का पता लगाया जाता है। एकदम सिंपल वर्ड में अगर आपको NAV समझाऊं तो जैसे शेयर बाजार में किसी भी शेयर के प्राइस को शेयर प्राइस बोलते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट को NAV से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि NAV बोलते हैं। मतलब इस NAV को देखकर हमें म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का प्राइस पता चलता है। जैसे मान लो मैंने 10 रुपये में म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीद ली और मुझ जैसे ही 9 और लोग एक एक म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर उन 9 लोगों को एक एक यूनिट खरीदने के लिए टोटल 90 रुपये देने होंगे। अब अगर वो लोग 90 रुपये देकर 9 यूनिट खरीद लेते हैं तो AMC के पास टोटल 100 रुपये आ जाएंगे, जिस 100 रुपये को हम बोलेंगे AUM। ये 100 रुपये ही असेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी कि AUM है। अब इस एग्जांपल में हमने 100 रुपये लिया है, लेकिन असलियत के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें ये AUM होता है वो कई 1,000 करोड़ों में होता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम वापस अपने एग्जांपल पे चाहें तो कंपनी के पास 100 रुपये हो गए जिससे वो अलग अलग फंड में इन्वेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पर ये फंड मैनेजर उस 100 रुपये को इन्वेस्ट करेगा। अब क्योंकि भैया वो फंड मैनेजर तो एक्सपर्ट है, तो हम यहाँ पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि 1 साल बाद उसने जो 100 रुपये लगाए थे उसकी वैल्यू 150 रुपये हो गई। अब यहाँ पर 1 साल बाद ही 5 और लोग आ गए जो उस म्यूचुअल फंड को खरीदना चाहते हैं। अब क्योंकि भैया हम शुरुआती 10 लोगों ने तो उस म्यूचुअल फंड को 10 रुपये की NAV पर खरीदा था, अब ये जो नए लोग आए हैं 1 साल बाद वो लोग किस प्राइस पर खरीदेंगे, इस चीज का पता लगाने के लिए फंड मैनेजर दोबारा से NAV कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर दोबारा से NAV कैलकुलेट करने के लिए अभी जो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है यानी कि 150 रुपये, उसको डिवाइड कर देंगे पुरानी जो यूनिट बिकी थी, पुरानी कितनी यूनिट बिकी थी 10, तो उसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो अभी नई NAV आ जाएगी 15 की। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो नए 5 लोग इस म्यूचुअल फंड को खरीदना चाहते हैं उन्हें एक म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदने के लिए 15 रुपये देने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये लोग 5 म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदना चाहते हैं और एक यूनिट का प्राइस 15 रुपये है, तो 15 × 5 = 75। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो कंपनी के पास 150 रुपये की असेट अंडर मैनेजमेंट पहले से थी और अब कंपनी के पास 75 रुपये और आ गए, तो कंपनी के पास टोटल 225 रुपये की असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी के पास टोटल 225 रुपये आ गए जिसे वो इन्वेस्ट कर सकती है। अब इस नई NAV से फायदा ये हुआ कि जो नए लोग थे उन्हें नए प्राइस के हिसाब से म्यूचुअल फंड मिला, और पुराने लोगों का पैसा कितना बढ़ गया उन्हें ये भी पता चल गया। जैसे मैंने 10 रुपये में एक यूनिट खरीदी थी और अभी उसकी वैल्यू 15 रुपये की हो गई, तो मुझे म्यूचुअल फंड की एक यूनिट पर 5 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, ये देखो, ये जो ग्राफ दिखा रहा है इसका NAV का ग्राफ दिखा रहा है, और यहाँ पर नीचे ये देखो, यहाँ पर करंट NAV भी लिखा हुआ है,
अभी मतलब इस म्यूचुअल फंड का जो एनएवी चल रहा है वो इतना चल रहा है। इस एनएवी का ही प्राइस देखो समय के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो एनएवी का प्राइस बढ़ेगा, बेकार परफॉर्म करती है तो एनएवी का प्राइस घटेगा, ठीक है। अब देखो ये जो एयूएम होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो ये इस तरह से लिखा रहता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में ये करोड़ों में नंबर होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगाते हैं, तो इन एएमसी कंपनियों के पास कई हजार करोड़ रुपए आ जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो भैया ये सब तो समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसके सभी टर्म्स भी हमें समझ आ गई। लेकिन भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, आखिर क्यों इन्वेस्ट करें हम? तो एक बार हम इसके फायदे भी जान लेते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या ना करो, आपको इसके फायदे जरूर पता होने चाहिए। देखो सबसे पहला फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन इन लेस मनी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में बताया था कि राजू के पास कम पैसे थे जिसकी वजह से वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था उस कंपनी के शेयर में, जबकि जब उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा मिलाया। आप जैसे 1,00,000 लोग अपने हजार हजार रुपए जब किसी म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो एएमसी के पास टोटल 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अब ये एएमसी इस 10 करोड़ रुपए से जितने चाहे उतने एमआरएफ के भी शेयर खरीद सकती है, रिलायंस के भी शेयर खरीद सकती है, टाटा के भी शेयर खरीद सकती है, रेलवे के भी शेयर खरीद सकती है, मतलब ऐसे वो कई सारी जगह अपने पैसे लगा सकती है क्योंकि उसके पास थोड़ी थोड़ी करके ही पैसे बहुत सारे हो गए हैं। तो यानी कि आपने भले ही पैसे कम लगाए हैं लेकिन आपके पैसे कई जगह लगे पड़े हैं। अब इस डाइवर्सिफिकेशन का यानी कि कई जगह पैसे लगे होने का फायदा ये होता है कि मान लो कोई एक कंपनी का शेयर बेकार परफॉर्म कर देता है, कोई एक कंपनी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाती लेकिन दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो इस वजह से जो आपका रिटर्न है वो बैलेंस हो जाएगा। जबकि मान लो अपने आप अपने सारे पैसे डायरेक्ट किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देते तो अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो कंपनी बेकार परफॉर्म करती तो आपके सारे पैसे डूब जाते। जबकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रखा है जिसकी वजह से आपके पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं। अब हालांकि शेयर मार्केट में भी आप अपने पैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। जबकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का यही फायदा है कि वहां पर आपको एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर मिल जाता है जो उस काम में एक्सपर्ट है, उसने उसी चीज की पढ़ाई कर रखी है, उसके पास उसी चीज का एक्सपीरियंस है, तो वो हमसे बेहतर उस कंपनी में पैसे लगा सकता है, तो ज्यादा चांसेस ये है कि वो हमसे बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो एक तो ये फायदा हो जाता है कि वहां पर एक्सपर्ट रहता है। इसके अलावा एक और म्यूचुअल फंड का फायदा ये होता है कि आपको बार बार ट्रांजेक्शन नहीं करनी पड़ती। मतलब अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है, जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है तो हम लोग उस शेयर को खरीद लेते हैं ताकि हमें वो शेयर सस्ते में मिल जाए, और जब उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने लगता है तो हम उसे बेच देते हैं ताकि हम उसे महंगे में बेचकर प्रॉफिट कमा सके। लेकिन अब कंपनी का शेयर प्राइस कब गिर जाए कब बढ़ जाए हमें नहीं पता, और हो सकता है कि कंपनी का शेयर प्राइस साल में कई बार गिर जाए बढ़ जाए। तो यहाँ पर अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बार बार उसे सेल करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, जबकि म्यूचुअल फंड में हमें ये नहीं करना, हमारा वो काम वो एक्सपर्ट करेगा, हमें बार बार शेयर खरीदने बेचने की कोई झंझट नहीं पाली, वो खुद ही ये काम करेगा। इसके अलावा एक और बढ़िया फायदा है म्यूचुअल फंड का कि इसमें आप ऑटोमेटिक यूपीआई मैंडेट सेट कर सकते हो, जिसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से हर महीने जितना आपने अमाउंट फिक्स किया होगा वो अमाउंट हर महीने खुद ही कट जाएंगे और वो पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपका पैसा अपने आप ही कटेगा और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। ना आपको इन्वेस्ट करना, ना आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसे देने, ना आपको शेयर खरीदना और बेचना, ना आपको शेयर इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें ढूंढने की जरूरत है, ये सारा काम आपका फंड मैनेजर खुद ही करेगा। अब मान लो अगर किसी महीने आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आप वो SIP नहीं दे पाते तो क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है। अब देखो भैया फायदे तो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लेकिन कुछ नुकसान भी है और ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है 1-2% का, जबकि अगर आप खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो एक्सपेंस रेशियो पे नहीं करना पड़ता। आपको भले ही 1-2% कम लग रहा हो लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि लंबे समय में अगर देखा जाए तो इस 1-2% से ही बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है ना, हो सकता है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कुछ और हो। मान लो अभी आप यंग हो और आप अपने पैसे से रिस्क ले सकती हो, तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाकर जहां पर थोड़ा ज्यादा रिस्क है वहां पर अपने पैसे लगाकर म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या है कि अगर आपने पैसे लगा दिए तो वहां पर वो फंड मैनेजर ही डिसाइड करेगा, वो वहां पर अपने हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेगा। हो सकता है वो ऐसी कंपनी में पैसे लगा दे जो रिस्क कम हो, भले ही वहां से रिटर्न कम मिले। एक और जो म्यूचुअल फंड की डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न शेयर मार्केट में कमा सकते हो। भले ही शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा है लेकिन अगर आप वहां पे टाइम देते हो तो आप ब्लू चिप कंपनियों में अपने पैसे लगाकर जिनका बिजनेस एकदम सेट हो चुका है ऐसी कंपनियों में अपना पैसा लगाकर भी लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो बिना कुछ एक्सपेंस पे किए हुए। अब आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है ये पता चल गया, म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान ये भी पता चल गए। अब देखो म्यूचुअल फंड भी ना कई तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी फंड,
दूसरा होता है डेट फंड और तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। अभी जो इक्विटी फंड है ना, इस तरह के म्यूचुअल फंड में कंपनी का 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा होता है। यहाँ पर इक्विटी का मतलब ये है कि जो फंड मैनेजर होगा ना, उसने इस म्यूचुअल फंड का 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा होगा, यानी कि स्टॉक मार्केट के जरिए उसने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा। अगर वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर वो कंपनी बेकार परफॉर्म करेगी तो रिटर्न भी थोड़ा बेकार हो सकता है। इसीलिए जो इक्विटी फंड होता है उसमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी सबसे ज्यादा मिल सकता है। अब दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी डेट फंड की, इसमें भी जो फंड मैनेजर होता है उसके पास जितना पैसा है यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट है, उन सभी पैसे में से 65% से ज्यादा पैसा डेट फंड में लगाएगा। डेट फंड का मतलब यहाँ पे ये है कि वो उन पैसे को बॉन्ड्स में या फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। देखो, डेट का बेसिकली यहाँ पर ये मतलब है कि जो फंड मैनेजर वो इन पैसों को कर्जे पे दे रहा है और उसके बदले इंटरेस्ट ले रहा है। अब क्योंकि वो कर्जे पे दे रहा है तो यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है, हालांकि यहाँ पर रिस्क कम होने के साथ साथ प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी हाइब्रिड फंड की। अब इस तरह के फंड पिछले दोनों फंड का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इस तरह के फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो इक्विटी फंड में भी पैसा लगाता है और डेट फंड में भी पैसा लगाता है, जिसकी वजह से इस तरह के जो फंड होते हैं उसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं, दोनों ही न ज्यादा रहते हैं न कम रहते हैं, मतलब ठीक ठाक रिटर्न मिलता है और ठीक ठाक रिस्क भी होता है। तो ये जनरली कैटेगरीज थी, लेकिन अब इसके अंदर भी जो ये पहला वाला होता है ना इक्विटी फंड, ये काफी फेमस है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इस तरह के जो इक्विटी फंड होते हैं वो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में बटे होते हैं, जैसे एक होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब इस लार्ज कैप में क्या होता है, इस तरह के म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो लार्ज कैप कंपनियों में पैसा लगाता है, जिसकी वजह से इन कंपनियों में रिस्क बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाता है जो पहले से ही एस्टेब्लिश है, लेकिन इसमें रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है। किसी भी म्यूचुअल फंड के नीचे अगर ऐसा लार्ज कैप लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। तीसरा मैंने आपको बताया था स्मॉल कैप फंड। इस स्मॉल कैप फंड में कंपनियों का पैसा छोटी छोटी कंपनियों में लगा होता है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनियों में लगा होता है। अब क्योंकि वो कंपनियां छोटी हैं इसलिए उनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि वो कंपनियां छोटी हैं। स्मॉल कैप फंड में भी नीचे छोटा सा स्मॉल कैप लिखा होता है जिससे आप पहचान सकते हो कि ये स्मॉल कैप फंड है। दूसरा जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, इसके अंदर पैसा मिड कैप कंपनियों में लगा होता है, जिसकी वजह से इसमें ठीक ठाक रिस्क होता है और ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाता है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड के नीचे अगर ऐसा मिड कैप लिखा हो तो समझ जाना कि ये एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है। अब इस इक्विटी फंड में दो और फेमस कैटेगरीज होती है, एक होता है इंडेक्स फंड और एक होता है ELSS। इंडेक्स फंड में क्या होता है, कंपनियों का पैसा स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में लगा होता है। अब ये इंडेक्स और इंडाइसिस क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अभी यहाँ पर इसके बारे में बताने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह के फंड को भी पहचानना बड़ा आसान है, इसके नीचे लिखा रहता है इंडेक्स फंड। इसके अलावा तीसरा था ELSS फंड। अब ये फंड भी बहुत फेमस है क्योंकि इसमें पैसा लगाने पर टैक्स में राहत मिलती है, मतलब टैक्स में छूट मिल जाती है। इस तरह के फंड को भी पहचानना बड़ा आसान है, किसी भी फंड के नीचे अगर ELSS लिखा हो तो समझ जाना कि वो एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। इसके अलावा कुछ थीमेटिक म्यूचुअल फंड भी होते हैं जिसके अंदर अलग अलग थीम के ऊपर पैसा लगा होता है। अब ये थीम क्या होती है, देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, अलग अलग थीम होती है। जैसे एक थीम है रिन्यूएबल एनर्जी की, इस तरह की थीम के अंदर ऐसी कंपनियों के शेयर रहेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है, मतलब एक थीम के अकॉर्डिंग उसका पैसा लगा हुआ है। ये थीमेटिक म्यूचुअल फंड भी काफी फेमस होता है। अब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप दो चीजें आप बार बार देखोगे, एक है SIP और लमसम। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखो लमसम का मतलब होता है इकट्ठा। अगर आप इकट्ठा किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना चाहते हो तो आप लमसम वाले ऑप्शन का यूज करोगे, और अगर आप हर महीने म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहते हो तो आपको SIP वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आपको थोड़े थोड़े पैसे इसमें देना होता है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि भैया इन दोनों में से बढ़िया कौन सा होता है। देखो बढ़िया बेकार का कोई बात नहीं है, यहाँ पर बात है जरूरत की। अगर आपके पास इकट्ठा पैसे हैं और आप उन्हें तुरंत लगाना चाहते हो तो आप इकट्ठे लगा सकते हो, लेकिन अगर आप जॉब करते हो और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे ही बचा सकते हो तो आप SIP कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप लमसम में पैसा लगाना चाहते हो तो आप उस टाइम को प्रेफर करना जब शेयर मार्केट गिर रहा हो, क्योंकि उस समय अगर आप अपने पैसे लगाते हो तो उस समय जो म्यूचुअल फंड का NAV होता है वो भी गिर जाता है। तो अगर आप उस समय अपने पैसे लगा देते हो तो बाद में जब शेयर मार्केट बढ़ेगा तो आपकी NAV भी बढ़ेगी और आपको फायदा होगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर NAV के बारे में समझाया था। देखो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि किन्हीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन्हीं नहीं।
वैसे तो म्यूचुअल फंड सभी के लिए हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, या फिर ऐसे लोग भी जो अपना बिजनेस करते हैं वो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है, म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो शेयर मार्केट को टाइम दे सके, शेयर मार्केट के बारे में सीख सके, जिनके पास शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, जिनको शेयर मार्केट की झंझट से दूर रहना है और अपना पैसा भी बढ़ाना है, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पर ये सारा काम हमारा फंड मैनेजर करता है। जबकि अगर आप यंग हो, आप अभी आपके पास टाइम है, आप शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हो, तो फिर आप लोगों के लिए शेयर मार्केट से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि आप शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। हालांकि ये बात भी सच है कि शेयर मार्केट रिस्की भी है, और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें रिस्क नहीं लेना तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है शेयर मार्केट के मुकाबले में। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि म्यूचुअल फंड में किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो मैं अभी यहाँ पर आपको कुछ कॉमन सवालों के जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला ये है कि क्या हम एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखो, आप चाहे जितने मर्जी उतने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक आदमी एक साथ कई सारी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगा सकता है। क्या म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है? देखो, बेशक म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि कुछ म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्क होता है, कुछ में कम होता है, तो यहाँ पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया है? हमें अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। जैसे मान लो कोई 30 साल का आदमी है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो यहाँ पर इस आदमी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई सारे गोल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि यह आदमी फ्यूचर में अपने बच्चों की पढ़ाई पर जो खर्चा होगा उसके लिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा है, ताकि उसके पास कुछ पैसा भविष्य में इकट्ठा हो सके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर एक गोल ये हो गया। दूसरा गोल ये हो गया कि वो अपनी रिटायरमेंट के लिए भी कुछ पैसे सेव करना चाहता है, इसलिए वो म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा है। तीसरा गोल ये हो गया कि वो 2-3 साल बाद फॉरेन ट्रिप करना चाहता है और वो उस ट्रिप के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहता है। तो यहाँ पर वो आदमी अपने गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज कर सकता है। जैसे मान लो पहला गोल था बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पर वो ऐसे म्यूचुअल फंड चूज कर सकता है जिसमें बिल्कुल कम रिस्क हो, क्योंकि इसमें पैसा भले ही धीरे धीरे बढ़े, लेकिन 10-15-20 साल बाद जितना पैसा उसने एस्टिमेट किया है उतना पैसा उसे मिल जाए, ऐसा ना हो बाद में पैसे कम पड़ जाए। इसके अलावा जो तीसरा गोल था फॉरेन ट्रिप का, इस तरह के गोल के लिए वो यहाँ पर रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसके इस गोल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने रिस्क लिया और उसका पैसा ज्यादा बढ़ गया तो वो फॉरेन में कहीं अच्छी जगह पर ट्रिप भी मनाएगा और खूब इंजॉय भी करेगा, शॉपिंग वगैरह करेगा, क्योंकि रिटर्न अच्छा खासा मिल गया। और अगर मान लो क्योंकि उसने रिस्क लिया और रिस्क लेने की वजह से उसको थोड़ा कम रिटर्न मिला, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो फॉरेन ट्रिप की जगह अपने देश में ही ट्रिप कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर वो रिस्क ले सकता है। सिमिलरली वो अपनी रिटायरमेंट में भी ऐसी जगह पर पैसे लगा सकता है जहाँ पर ज्यादा रिस्क ना हो और रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाए। तो मतलब अपने गोल के हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। अब ग्रो ऐप का इस्तेमाल करके किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और एंजल वन का इस्तेमाल करके किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ये दोनों ही वीडियो देख सकते हो।